इंडिया से नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट लगता है कि नहीं, आज की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपको भारत से नेपाल जाना है, नेपाल से भारत आना है तो पासपोर्ट कंपलसरी है फ्लाइट से जाने के लिए या फिर नहीं, या फिर बाय रोड अगर हम जाते हैं या फिर बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो हमें पासपोर्ट देना पड़ता है कि नहीं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूँ। क्योंकि 2.5 साल पहले जो है मैं नेपाल विजिट कर चुका हूँ, और जब मैं 2.5 साल पहले विजिट कर रहा था उस टाइम पर भाई फ्लाइट से जाने के लिए पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी, पासपोर्ट नहीं लगता था। लेकिन रिसेंट टाइम की अगर हम बात करें, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं मई 2024 में, और आज के टाइम पर अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया से नेपाल जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, कंपलसरी है। बिना पासपोर्ट के आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं इंडिया से नेपाल, या फिर नेपाल से अगर आपको इंडिया आना है तो बिना पासपोर्ट के आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट कंपलसरी हो गया है हर किसी के लिए, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे नेपाली सिटीजन हो, उनके पास उनके कंट्री का पासपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं बाय रोड जाते हैं तो उस कंडीशन में पासपोर्ट लगेगा या फिर नहीं आज के टाइम पर। तो देखिए, आज के टाइम पर अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं, आप सोनौली बॉर्डर जो गोरखपुर से एंटर करते हैं या बिहार से जो एंटर करते हैं, अगर आप एंटर वहां से करते हैं तो इस कंडीशन में आपसे कोई भी पासपोर्ट आपका नहीं चेक करा जाएगा। वहां पर आपका आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड चेक करेंगे, हो जाएगा। अगर पासपोर्ट आपके पास है तो भेज सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2.5 साल पहले जब मैं गया था तो वहां पर पासपोर्ट नहीं लगा था। लेकिन रिसेंटली हमारे पहचान में एक जन और 6 महीने पहले गए थे तो उनका कोई पासपोर्ट नहीं लगा था, वो बाय रोड ही नेपाल में चले गए। ठीक है, तो नेपाल जाने के लिए या फिर घूमने के लिए कोई भी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है अगर आप बाय रोड जाते हैं तो। अगर बाय फ्लाइट भी जाते हो, बाय फ्लाइट जाते हो तो बस लगता है, अगर बाय बस जा रहे हो, बाय ट्रेन जा रहे हो तो भी आपको पासपोर्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है आपके पास। लेकिन इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास रहना चाहिए, जिससे आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड कंपलसरी, ये दोनों दस्तावेज तो आपके पास होने ही चाहिए अगर आप नेपाल के अंदर घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये दोनों दस्तावेज बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हैं। अब अगर मैं सिम कार्ड की बात करूं, सिम कार्ड आप कैसे मिलेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूं। आज से 2.5 साल पहले जब मैं गया था उस टाइम पर आधार कार्ड से सिम कार्ड नहीं मिलता था, तो मैं वोटिंग कार्ड अपना दिया था, वोटिंग कार्ड से मैंने वहां का सिम कार्ड 3 बाय करा था, हम लोग 3 जन थे तो 3 मैंने सिम कार्ड वहां पर बाय करा था। ठीक है, लेकिन आज के समय बात करूं मई 2024 में, तो अभी के टाइम पर वहां पर जो है आप आधार कार्ड से भी वहां पर सिम कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पर वोटिंग कार्ड और बस वोटिंग कार्ड और पासपोर्ट के थ्रू ही सिम कार्ड ले सकते थे, लेकिन आज के टाइम पर आधार कार्ड से आप ले सकते हैं, आप अपने वोटिंग कार्ड से ले सकते हैं, अपने पासपोर्ट से ले सकते हैं, मतलब ये सारे दस्तावेज का यूज करके आप वहां पर सिम कार्ड नेपाल का निकलवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ट्रैवलिंग की बात करें भाई, वहां पर मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, आप जाके आराम से घूम सकते हो, वहां के लोग काफी फ्रेंडली हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा नेपाल घूमने के लिए, चाहे आप फ्लाइट से जाओ चाहे बाय रोड जाओ, कैसे भी आप ट्रैवल करके जाओ। अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो किसी भी इंडियन सिटीजन को कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही जो नेपाल से इंडिया के लिए आ रहे हैं उन्हें भी बाय रोड आने के लिए भाई कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो बाय रोड आ सकते हैं, लेकिन फ्लाइट से आते हैं तो उनके पास भी पासपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके जितने भी प्रॉब्लम थे सारे के सारे सॉल्व हो गए होंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।